तो पावर बीआई में आज का जो हमारा सेशन है वो है लॉजिकल कंडीशंस। हम लॉजिकल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो डेटा आपके सामने दिख रहा है और यहाँ पे मेरे डेटा है और ये हमारा टारगेट है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे 500 का इंसेंटिव देना है। क्या देना है? 500 का इंसेंटिव शो करना है। लेकिन कब? तब जब मेरा जो सेल्स है उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। क्या किया है? अपना टारगेट अचीव किया है तभी, अदरवाइज उनको जीरो मिलेगा। फिर उसकी जो मुझे इंसेंटिव किसका कितना हुआ वो इनके एसओ वाइज मुझे प्रेजेंट भी करने हैं, टोटल इंसेंटिव भी प्रेजेंट करना। ओके, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यहां पे हम कॉलम ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन तीन तरह के होते हैं, कॉलम, मेजर्स एंड टेबल्स। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स के ऊपर कर रहे हैं। तो गेट कॉलम में यहां देते जाते हैं, यहां पे हम लिखते हैं आई एन सी और यहां देते हैं कंडीशन कि इफ इफ के अंदर हमने बोला इफ, हाँ इफ के अंदर मैंने बोला कि टारगेट माइनस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, हेलो आवाज आ रही सर मेरी? ये सर आ रही है। क्यों कॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? उस स्क्रीन सही है ना? स्क्रीन भी विजिबल है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 55 में से अगर 25 को करेंगे तो उतना आएगा ना, तो मुझे लेस देन जीरो करना है ना। क्या सर? कि अगर रिकॉर्ड माइनस में आ रहा है इसका मतलब है कि उसने टारगेट को अचीव कर लिया है। रिपोर्ट अगर मान लीजिए रिजल्ट माइनस में नहीं है उसके बाद टारगेट रह गया है। ऐसे केसेस में 500 अदरवाइज मैंने यहाँ पे जीरो करके एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ देखिए सब जीरो है, यहाँ पे देख सकते हैं 500 आया नहीं कहीं पे, जीरो ही पूरा के पूरा। क्या बात कर रहा है, 43 43 है, 75 है, यहाँ तो आना चाहिए 30, यहाँ पे 75 है ना, तो रिजल्ट आना चाहिए था। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ करते हैं टारगेट माइनस क्वांटिटी, रिटर्न करते हैं। ओके, तो ये 30 यहाँ माइनस में जो आया उस पर 500 देना। तो अब यहाँ पे इफ कंडीशन दे रहे हैं, इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर ए लेस देन जीरो है तो 500 अदरवाइज जीरो। तो यहाँ पे 59 के जगह पे 500 आना चाहिए, ठीक है? तो इससे पहले क्या था कि वो यहीं पे लॉजिक लगा दे रहा था, इसकी रिजल्ट को कैलकुलेट नहीं कर रहा था, समझे? तो ऐसे केसेस में ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। अब मैं अपने डेटाबेस में जाता हूं और अपने यहाँ पे हम लेते हैं अपना चार्ट और इस चार्ट के अंदर हम शो करते हैं क्या, अपना टोटल इंसेंटिव और साथ में सेल्स ऑफिशियल्स। ठीक है, और यहां आते हैं टाइटल, टाइटल में जाते हैं और सम ऑफ यहां पे लिख देते हैं टोटल इंसेंटिव बाय 100, या जो पूरा लिखना है लिख दीजिए, ठीक है? अब इसके ऊपर आप चाहे तो अपना डेटा भी शो कर सकते हैं, डेटा लेबल ऑन कर सकते हैं।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल कर दीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। पोजीशंस ऑटो की जगह पे इनसाइड एंड कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब मुझे यहाँ इसके ऊपर जो है मुझे अपनी टोटल रेवेन्यू और टोटल इंसेंटिव जो करना है, तो इसके लिए टोटल हम क्या करेंगे, कार्ड लेंगे। एक कार्ड भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी एक कार्ड है, इसको भी ले सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये हमने कार्ड ऐड किया हुआ है, यहाँ से टोटल हम एजेंसी रखते हैं, इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से ना देखे, थोड़ा सा डिटेल में आप यहाँ भी जा सकते हैं मोर विजुअल पे, और यहाँ पे देखिए कि कुछ अच्छा खासा मिल रहा है, अगर ठीक ठाक मिल रहा है तो। ये देखिए 1 2 3 थोड़ा सा कलरिंग में आ रहा है, उसको लोड करते हैं। इस तरह से आएगा यहाँ पे, मैंने ऐड हुआ, ओके 1 2 3 लीजिए। एक मिनट, इस पे मैं मेजर्स जो हमारा है वो डाल देते हैं, जो कि है हमारा INC। अब इसमें कैटेगरी हम डाल देते हैं SO, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे टारगेट्स, नहीं अलग है, यहाँ पे ये INC हो जाता है। मेजर्स कंपोजिशन, अगर इसमें हम डाल दें अपना 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 SO, नहीं इसमें तो टोटल देना होता है। कंडीशंस, सीरीज मेजर्स, टेर नाइन, एड डेटा, एक काफी सारे हैं। अगर यहाँ पे हम इस कंडीशंस हो गए, कंडीशंस अगर डालते हैं, ये सब में अमाउंट डालना होगा, देखना पड़ेगा, एक नया फील्ड है ना, मैं बिजनेस आपके सामने ऐड किया, तो यहाँ पे आपने ये डाल सकते हैं, कैटेगरी लगा डाल सकते हैं। एक कैटेगरी में जैसे हम SO डालते हैं, वो यहाँ पे बोलता है कि मल्टीपल के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो कुछ फ्री होता है कुछ पेबल होता है। फिर इसकी अलग फॉर्मेटिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि अगर प्रीमियम ऑफ ऑफ है, ऑन करेंगे तो प्रीमियम के लिए बोलेगा लॉगिन करने के लिए, कार्ड की जो है सेटिंग वगैरह। तो इस तरह से कंडीशंस 1 कंडीशंस 2 में आप अपना गन डाल सकते हैं। ओके सर, या फिर बेटर है कि आप इसको यूज ना करके आप यूज करें इसको, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। और फिर इसके जगह पे एक मैंने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर दिया, अमाउंट होगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट आ गया, टोटल इंसेंटिव, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे हमने इफ फॉर्मूले को सीखा कि हम कैसे इफ फॉर्मूले लगाते हैं। अब यहां पे एक चीज और है, अब ये तो ठीक, अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आ रही है कि मुझे एक चार्ट चाहिए कि मेरी किस क्वांटिटी के रेंज में कितना सेल हुआ है। इसके लिए अगर मैं फुनल चार्ट लूं तो आई थिंक फुनल नहीं, इसमें 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 हाँ फुनल चार्ट ही वर्क करेगा इसमें। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपनी इंसेंटिव लिया, तो इंसेंटिव आ गया, और हमने अपनी कैटेगरी, तो कैटेगरी को हम क्वांटिटी के अंदर यहाँ डाल, तो ये काफी सारा आपको दिख रहा है। और इसके अंदर अगर हम जाएं मूव टू मूव न्यू ग्रुप, ग्रुप में हमने यहाँ पे मिन वैल्यू मैक्सिमम दे दिया और बिन साइज 1 दे दिया, तो यहाँ पे बिन साइज हम 10 कर देते हैं, देन ओके।
समझ गए। तो ए आ गया कि कितने 10 क्वांटिटी वाले का ऑर्डर 3. ए था 10 क्वांटिटी वाले का, हम इंदिरा इंसेंटिव दिया 90 का इतना, 20 का इतना, ठीक है सर, ठीक। पर 90 ऊपर होना चाहिए था, लेकिन 90 क्या है, कम है, इसलिए नीचे आ गया। तो इसने जो सिक्स एज किया है वो इस तरह से किया। लेकिन अगर मुझे इसका सीक्वेंस अपने हिसाब से रखना है, डेटा लेवल, कैटेगरी लेवल, जनरल, नहीं इसमें नहीं। अच्छा, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम अपने हिसाब से कन्वर्जेंस रेट रखें, वो ऑटोमेटिक जो होगा शिफ्ट होके आएगा। सर ये 90 क्यों नीचे है, अपने आप पता है? बेसिकली अपने आप नीचे आने के रीजन ये है कि जो हमने फनल चार्ट लिया है ना सर, ये फनल चार्ट क्या करता है कि सबसे हाईएस्ट को टॉप, फिर उसको लोएस्ट, फिर लोएस्ट, लोएस्ट, ऐसे सॉर्टेड करके आता है। तो सॉर्टेड किसके वेव से, मेरे ये एक्सिस के ऊपर सॉर्टेड नहीं हुआ, सॉर्टेड हुआ है इसके ऊपर, समझ में आया? लेकिन मुझे अपने तरीके से चार्ट चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको अगर मैं इसमें लेके जाऊं, इसको चेंज करूं, तो भाई मुझे कॉलम चार्ट में चाहिए, फनल चार्ट नहीं चाहिए। तो कॉलम चार्ट में देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, 10, 20, 30, 40 दिख रहा है सर, लेकिन वो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से, तो उस केस में हम कॉलम में जाए, कॉलम में हम न्यू कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ देखिए विंस ऐड हुआ खुद ब खुद, यहाँ देखिए विंस ऐड हुआ, जो मैंने डेटा लिया विंस ऐड हुआ, लेकिन मुझे अपने हिसाब से ऐड। अब देखिए दोनों में फर्क देख लीजिए। अब इसमें मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी है वो स्लैब में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगता हूँ स्लैब, स्लैब लिया, स्लैब में मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला एंड का, इफ और एंड, इफ, अब यहां पे देते हैं एंड, एंड क्वांटिटी, चाहे इसमें एंड लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको ले सकते हैं क्वांटिटी, नेस्टेड इफ लगा सकते, क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 40, तो शो, या फिर 10 कर देता हूं यहाँ पे 10, तो यहाँ पे शो 0 to 10, दैट अगेन इफ हमने यहां लिया क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 20, तो सो हो इन्वर्टेड कोमा में 0 to 20, देन ए 10 to 20 ना 10 to 20, देन इफ हमने यहाँ पे क्या, जैसे एक्सेल में आप लेते हैं ना, उसी तरह से यहाँ ले सकते हैं। अब इसको डिटेल में सिखाने की जरूरत है या आप लोगों को पता है 40, तो यहाँ पे 20 to 40, ठीक है, और ऐसे ही मैंने बोल दिया ग्रेटर देन, या आप इस तरह से आगे भी दे सकते हो। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि मैं अपने चार्ट में आऊंगा और यहां से मैं अपनी कॉलम चार्ट लूंगा, कॉलम चार्ट के अंदर मैं इसको क्या करूंगा, अपनी स्लैब को डालूंगा किसमें, एक्सिस के अंदर, और फिर हमने अपनी जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव को मैं डालूंगा इसमें वाई एक्सिस में, दिख रहा है सर कि ग्रेटर देन 40, जो भी हमारी इंसेंटिव गई हो ग्रेटर देन 40 में गई, 20 to 40 में कम गई है, कहने मतलब है कि हमारा जो इंसेंटिव का टारगेट है वो ग्रेटर देन 40 का ही टारगेट, समझे, क्लियर सर? अब मेरे पास क्या है कि यहां पे एक छोटा सा और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपना ये दिखाना है कि इसके अंदर में कि कितने मेरा सेल्स, ओवरऑल जो सेल है वो प्रीमियम है या फिर अंडररेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम इसका टोटल करें, मतलब कि जब इसका टोटल यहां निकाले, कार्ड के अंदर मान लीजिए कि मैंने अपना एक
यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ या कुछ भी यहाँ पे फील्ड रखेंगे, तो यहाँ पे पहला आता है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरी अभी जो सेल है और आय है प्रीमियम है या अनडेटेड है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी डालता हूँ, तो क्वांटिटी में क्या आ रहा है, 487K आ रहा है, 48,000, ये 4,87,000 समथिंग है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे पहले तो मैं शो करना चाहता हूँ डिफरेंस, कि क्वांटिटी और टारगेट का डिफरेंस हो कि कितना ज्यादा सेल हुआ, ठीक है ना, ओवर टारगेट। तो इसके लिए मैं न्यू मेजर्स पे जाता हूँ, न्यू मेजर्स, और यहां से हम एक टाइप ऑफ ऑफ सेल निकालना, टाइप ऑफ सेल। अब यहां पे लिखना हो सिंपल सा क्वांटिटी सम, कहता है सम क्वांटिटी, सम फॉर्मूला मेजर्स में इस्तेमाल होता है, सम माइनस क्वांटिटी, तो सम क्वांटिटी माइनस सम टारगेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं यहां पे इसको यहां रखता हूं तो यहां पे क्या दिखाएगा, 1860 होगा। अब यहां पे सिंपल सी बात है कि अगर इस ए रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 1000 है तो प्रीमियम होगा, और लेस देन 1000 है मतलब कि हमारी ओवरऑल सेल अगर टारगेट से 1000 क्वांटिटी ज्यादा जाती है तो इट मीन्स इस मंथ में या इस पीरियड में प्रीमियम सेल हुई है। अगर उससे नीचे आती है इसका मतलब है कि अंडररेटेड है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन, इफ अगर ए ग्रेटर देन 1000 है तो हम लिख देते हैं प्री सेल या प्रीमियम सेल, पूरा लिख दीजिए, ठीक है, अदरवाइज यू आर अंडर रेटेड सेल्स, ठीक है, प्री सेल्स आ रहा है। अब यहां पे कहता है कि अगर प्री सेल आया तो कलर ग्रीन होना चाहिए, अदरवाइज रेड होना चाहिए, क्या सर? तो कैसे करें इसके लिए, तो ये यहां पे आते हैं, हम आते हैं इसमें लेवल, लेवल है वैल्यू, वैल्यू के अंदर एफएक्स पे जाते हैं, और एफएक्स में टाइप ऑफ सेल आया इज टेक्स्ट, यहां पे आया टाइप ऑफ सेल में इज टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या लिख दे, लिख देते हैं प्री सेल्स। तो कलर क्या आना चाहिए, तो कलर ग्रीन होना चाहिए। अब यहां पे इसको ऊपर करता हूं, मोर कलर ग्रीन, ग्रीन। अब यहां पे हम न्यू रूल्स ऐड करेंगे, तो न्यू रूल्स में होगा इज टैक्स इज यू आर सेल अंडररेटेड सेल्स, तो कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, देन ओके यहां पे, ठीक है। तो प्री सेल मतलब कि प्रीमियम सेल है। अब इसी में आगे हम स्लाइसर लगा देंगे तो कम आएगा, तो अंडर रेटेड सेल आएगा। स्लाइसर ले लिया और स्लाइसर में मान लीजिए कि ईयर ही डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ईयर में मैं इसका हटाते हैं तो प्री सेल है अभी भी, अंडर रेटेड सेल आ गया, प्री सेल आ गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से वर्क करेगा। तो इफ फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। इफ के अंदर दो और होता है, एंड और ऑफ। जैसे कि मुझे एडिशनल इंसेंटिव देना है कब, जब एमआरपी मेरी 200 से लेके 300 के, मतलब 300 से 200 से लेके 300 के बीच में एमआरपी होती है तो हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है, तो हम इसको एडिशनल इंसेंटिव देना चाहते हैं 2 रुपीज पर कॉन, ठीक है। तो यहां पे अगर एडिशनल इंसेंटिव निकालना है एडी एडी, तो यहां पे हमने लिखा एडिशनल आई इंसेंटिव एडीआई, यहां लिखते हैं सिंपल सा एड, एंड इसमें लिखते हैं हम अपनी कि एम आर पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 अगेन एम आर पी
यहाँ पे इसको सिलेक्ट, एमआरपी सिलेक्ट किया कि लेस देन इक्वल टू 300। इसमें क्या आएगा रिजल्ट? ट्रू है। ध्यान रखिएगा कि एक्सेल के एंड और फॉर्मूले में आप क्या यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन कई सारे, लेकिन पावर बीआई में सिर्फ दो ही यूज कर सकते हैं, सिर्फ दो यूज कर सकते हैं, एडिशनल इंसेंटिव में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टू अदर बाय जीरो। यहां पे एंड लगा लीजिए या और लगा लीजिए, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट उस पे? एंड लगा लीजिए या और लगा लीजिए, नहीं, एंड का रिजल्ट होता है जैसे सारे कंडीशन मैच हुए, और का रिजल्ट होता है कोई दो में से कोई एक, यस सर। ठीक है? जैसे एग्जांपल में मेरे स्टोर है, सर जैसे एग्जांपल में स्टोर है तो दिल्ली और नोएडा मेरे इन हाउस है, इन हाउस स्टोर है, बाकी मेरे वेंडर है, तो मुझे यहाँ पे टाइप ऑफ स्टोर का एक कॉलम ऐड करना, ठीक है, टाइप एसक्यूआर। तो यहां पे हम सिंपल सा और फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला में देंगे कि स्टोर स्टोर इक्वल टू, हमने क्या किया, दैल्वी अगेन कॉमा स्टोर इक्वल टू, हमने क्या किया, नोएडा। अब इसमें से दोनों में से कोई एक होगा तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आए, क्योंकि तो दोनों तो हो नहीं सकता ना, क्या? आप इसमें दे देंगे इफ, यहां पे अगर ट्रू आया तो इन हाउस करना है, अदरवाइज वेंडर करना है। अब इसका जो है यहां पे हम आसानी से डैशबोर्ड में हम आसानी से क्या बना सकते हैं, अपना ग्रांड चार्ट, ठीक, क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। इसमें हम शेयरिंग देख सकते हैं कि हमारा टाइप ऑफ स्टोर, ये रहा लेजेंड और ये रही वैल्यू टोटल रेवेन्यू अमाउंट, तो पता चल जाएगा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा मोस्टली रेवेन्यू क्रिएट किससे होता है, तो वेंडर से होता है, इन हाउस मात्र 24% का ही शेयर, 9%, माफ कीजिएगा, 9% का, 19% का, सॉरी 19% का ही रेवेन्यू सपोर्ट कर, समझे? क्लियर है सर? सर ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर बंद। लास्ट टाइम मैंने आपको एक डैशबोर्ड शेयर किया था, देखा था उसको आपने? हाँ दो तीन शेयर तो देखा कि नहीं देखा उसमें, सेल्स डैशबोर्ड शेयर किया था आपको? देखो 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 ये तो सप्लाई चेन वाला था, ये देखें, इसको देखा था आपने? देखिए ये रिपोर्ट बना पाए कि नहीं? इसको मैंने नहीं बनाया, ये थे आप लोगों ने ट्राई किया?
इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है सर? मैंने भेज रखा है आपको, मैं इसको ठीक सर। ट्राई कीजिएगा, ठीक है? ठीक चलिए, मिलते हैं कल, ओके? है, लास्ट क्लास का वीडियो भेज दीजिए सर।